मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर कल्याण होम्योपैथी क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों मैं आज एक इन्फ्लुएंजा पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी जो मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम में खास करके जब गर्मी के बाद बरसात आती है तो इन्फ्लुएंजा एक बृहद पैमाने पर फैलती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन्फ्लुएंजा क्या है, इसका क्या सिम्टम है ये बता दूं। तो इन्फ्लुएंजा एक वायरल बीमारी है जो राइनो वायरस, पिकोना वायरस, इसी तरह अनेकों वायरस हैं जिसकी वजह से फैलती है। दोस्तों यह एक कॉमन कोल्ड की तरह की बीमारी है। इसमें सर्दी जुकाम के साथ बुखार तेज होती है और शरीर में दर्द होती है, साथ ही आपका इसमें लूज मोशन का भी कभी कभी शिकायत मिलता है। और जब सर्दी जुकाम होती है तो इसमें तेज दर्द भी होती है। तो दोस्तों यही है इन्फ्लुएंजा का सिम्टम। और कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा, ये दोनों में डिफरेंस न के बराबर है। कॉमन कोल्ड में वही बुखार जो होता है वह आपका 100 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा में बुखार 102 डिग्री तक जाती है। दोस्तों मैं अब इन्फ्लुएंजा का कुछ होम्योपैथ दवा बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहला जो दवा होगा वह होगा एकोनाइट। दोस्तों अभी बरसात की मौसम है, बरसात की मौसम में जनरली हम लोग बरसात के पानी में भीगते हैं। अगर हम बरसात के पानी में भीग चुके हैं और बरसात के पानी में भीगने के 6 घंटा के अंदर में सर्दी जुकाम आ जाती है तो उसका मेन दवा एकोनाइट होगा। दोस्तों सर्दी जुकाम बुखार के साथ यदि हमें ठंड का अनुभव होता है तो उसका दवा एकोनाइट होगा। एकोनाइट का जो पल्स होता है वह बहुत तेज होता है। एक बात और ध्यान रखना है कि एकोनाइट किसी भी बीमारी के प्रथम अवस्था में ही यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरी दवा है रस्टेक्स। दोस्तों यदि बरसात की पानी में भीगने के 24 घंटे बाद यदि सर्दी जुकाम आती है तो उसका दवा रस्टेक्स होगा। रस्टेक्स में सर्दी जुकाम के साथ साथ पीठों में अकड़न होती है, पूरी शरीर में दर्द होती है और यदि हम हिलते डुलते हैं तो दर्द में आराम मिलता है और स्थिर रहने पर दर्द बढ़ता है। यदि इस तरह का सिम्टम है तो रस्टेक्स उसकी मेन दवा होगी। रस्टेक्स यदि 200 नंबर में 2-2 बूंद करके 4 बार लेंगे तो सर्दी जुकाम 2 दिन के अंदर में ठीक हो जाएगी। अगली दवा है एलियम सीपा। एलियम सीपा दोस्तों इसमें सर्दी जुकाम जो होता है इसमें नाक से और आंख से बहुत ज्यादा पानी का स्राव होता है, छींके आती है, लेकिन आंख से जो पानी का स्राव होता है वह नॉर्मल होता है और नाक से जो पानी का स्राव होता है वह एक्राइड होता है, तीखा होता है, जिससे ओट के आसपास की जो खाल है वह गल जाता है। इसके बाद अगली दवा है वह है यूफ्रेशिया। दोस्तों यूफ्रेशिया में भी जो सर्दी जुकाम होता है उसे आंख से और नाक से अधिक पानी का स्राव होता है, लेकिन एलियम सीपा में नाक से जो पानी का स्राव हो रहा था तीखा हो रहा था, लेकिन यूफ्रेशिया में आंख से जो पानी का स्राव हो रहा था तीखा होता है, नाक का जो पानी का स्राव होता है नॉर्मल होता है, लेकिन आंख से जो पानी का स्राव होता है वह तीखा होने की वजह से आसपास का जो खाल होता है, स्किन जो होता है वह थोड़ा सा खतरा जैसा हो जाता है। इसके बाद अगली दवा है आर्सेनिक। दोस्तों आर्सेनिक की में जो सर्दी जुकाम होती है उसके साथ छटपटी सा होती है, बेचैनी होता है और रोगी बहुत कमजोरी अनुभव होती है। इसके साथ साथ शरीर में चाहे वह नाक हो, आंख हो, सारे जगहों पर एक अलग सा जलन महसूस होता है। आर्सेनिक का जो रोगी होता है उसे बहुत ज्यादा प्यास का अनुभव होता है, लेकिन वह एक बार में 1-2 घोट ही पानी पीता है, अधिक पानी नहीं पीता है, लेकिन प्यास उसे ज्यादा अनुभव होती है। इसके बाद अगली दवा जो है वह है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना में भी सर्दी जुकाम जो होता है
इसमें आंखों से भी पानी का शराब होती है और चेहरा एकदम लाल तमतमाया सा रहता है। यदि सर्दी जुकाम के साथ चेहरा लाल सा देखने को लगे और रोगी थोड़ा सा भयभीत होता है, यदि वह सोता है तो वह एक डरावनी सपना देखता है, कुत्ता बिल्ली और भूत प्रेत की सपना देखता है। यदि इस तरह का सपना है और बुखार या सर्दी जुकाम अचानक आया है तो उसका दवा बेलाडोना होगा। बेलाडोना 30 नंबर में दो दो बूंद करके 4 बार लेंगे तो सर्दी जुकाम 2 दिन के अंदर में ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगली दवा जो है ब्राइनिया, ब्राइनिया एल्बम। दोस्तों ब्राइनिया एल्बम का जो रोगी होता है बिल्कुल सुस्त होता है, वह थोड़ा सा भी हिलना डुलना पसंद नहीं करता है। ब्राइनिया एल्बम में भी आंखों से नाक से पानी का स्राव होता है, जलन होती है, गला में सोनेट होता है, खराश होता है, पूरे देह में दर्द होती है और रोगी थोड़ा सा भी हिलना डुलना पसंद नहीं करता है। थोड़ा सा भी हिलता डुलता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है। यदि इस तरह का सिम्टम होता है तो ब्राइनिया दो दो बूंद करके 4 बार लेंगे, 2 से 3 दिन के अंदर में सर्दी जुकाम में ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगली दवा है जलसीमियम। दोस्तों जलसीमियम में ही ब्राइनिया की तरह रोगी में सुस्ती होती है, लेकिन इसमें सुस्ती ज्यादा होती है और ये रोगी बिल्कुल हिलना डुलना पसंद नहीं करता। इसमें सुस्ती के साथ साथ शरीर के अगले हिस्से में, पिछले हिस्से में दर्द होती है, तेज सर्दी जुकाम के साथ साथ छींकें आती है और रोगी ठंडा महसूस होता है, खास करके जो रोगी का पीठ में एक ठंड तरंग सा चलता है। एक तरह से ठंड हीलिंग नहीं होता, एक तरंग सा वेव सा उसका ठंड का अनुभव होता है। इस तरह का यदि अनुभव हो और प्यास बिल्कुल नहीं हो, जैसे का ये खास लक्षण है कि उसमें प्यास बिल्कुल नहीं होता है, तो जैसे दो दो बूंद करके 3 बार लेंगे सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली दवा है इक्टोरियम पर्व। इसकी जो सिम्टम होगी, इसमें रोगी बहुत तेज दर्द अनुभव करता है। सर्दी जुकाम के साथ पूरी शरीर में ऐसा दर्द होता है जैसे पूरी हड्डी शरीर का टूट रहा है। यदि इस तरह का दर्द हो तो इक्टोरियम पर्व दो दो बूंद करके 4 बार लेंगे सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगी। इसके बाद अगली दवा है ढलका मारा। दोस्तों अभी बरसात की मौसम है, बरसात के मौसम में नमी अधिक होती है। अगर नमी में रहने की वजह से यदि सर्दी जुकाम इन्फ्लुएंजा हुआ है तो दो दो बूंद करके 4 बार ढलका मारा लेंगे सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों फेवो क्लीन एक पेटेंट दवा है। ये दवा आधा कप पानी में 40 बूंद करके 4 बार लेंगे तो जो बुखार है वह जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि बुखार ज्यादा है तो हम 3 घंटा पर भी इसको रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों अब यह रहा इलाज के लिए दवा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। अगर हम रोग को आने ही नहीं दें तो इलाज करने से बेहतर होगा। तो एक दवा है इनफ्लुएंजिन। दोस्तों यदि हम 15 दिन पर एक दिन दो दो बूंद करके 3 बार लेते हैं तो एक दिन दो दो बूंद करके 3 बार लेने के बाद 15 दिनों तक हमें इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड के अगेंस्ट में इम्यूनिटी पावर बना रहेगा, यानी हम इन बीमारियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों 15 दिनों पर पूरी परिवार अगर हम दो दो बूंद करके 3 बार इस दवा का सेवन करते हैं या पूरा बरसात का सीजन करते रहेंगे तो इन्फ्लुएंजा से हम पूरी सीजन बचे रहेंगे। तो दोस्तों यह रहा प्रिवेंशन। अब हम आपसे एक छोटा सा आग्रह करेंगे कि यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब को क्लिक करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो इस तरह का वीडियो बना रहा हूं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसके साथ ही दोस्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप कुछ नई वीडियो की चाहत रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।